पहाड़ को बीचों बीच से काट के इस प्रकार से रोड बनाया गया है। गाड़ियां बारी खड़ी करते हैं, चोरी चकारी का कोई डर नहीं है। और सूर्यास्त के बाद कॉलोनी यहाँ का घर इस प्रकार से चमकते हैं बादामी कलर में। हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। अभी मैं ओमान में हूँ और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ ओमान का सबसे पुराना गांव। आज मैं आपको दिखाऊंगा ओमान के सबसे पुराने गांव में घर कैसे होते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके भाई का चैनल है शर्मा मिक्स ब्लॉग। तो इसलिए नीचे जो लाल कलर का बटन है इसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे दोस्त नीचे गाड़ी लेके आ गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ नीचे। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर भी हूँ मैं। अब मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ और आपको मैं लिए चलता हूँ ओमान के सबसे पुराने गांव। यह मेरे दोस्त की गाड़ी आ चुकी है, हुंडई एसेंट। इसी कार से हम जा रहे हैं ओमान का गांव घूमने के लिए और मैं आगे की सीट पे बैठ रहा हूँ और मैं अंदर बैठ चुका हूँ गाड़ी में। तो आज हम इनकी गाड़ी से जा रहे हैं, ये ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं साइड वाली सीट पे बैठा हूँ। मेरे घर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं हम। ये रोड का सीन आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक चट्टान पत्थरों का बना हुआ टापू दिखाई दिया, बहुत अच्छा लगा देखने में, बहुत आकर्षक लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में शूट किया इसको भी। गाइज, इस समय मैं खड़ा हूँ ओमान के सबसे पुराने गाँव में। अब यहाँ देख सकते हैं ये पुराने घर बने हुए हैं पहाड़ के बीच में। ऊपर पहाड़ है, नीचे देखिए ये सारे घर बने हुए हैं। ये ओमान का गांव है और इधर को लिए चलता हूँ। सामने देखिए ये पहाड़ है और देखिए यहाँ पर सनसेट हो रहा है। देखिए सनसेट हो रहा है, ये बिल्कुल सूर्यास्त होने का समय हो रहा है, सनसेट हो रहा है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी बह रही है। ओहो वाओ, देखने लायक नज़ारा, देखिए कितना प्यारा सीन है। देखिए नदी, ओमान की नदी अलखोद वादी, देखिए कितना प्यारा सीन है। यह ओमान का गांव। गाय जो पीछे एक मेरे कैमरे के माध्यम से एक नज़र डालिए, सामने आप मेरे हाथों के इशारे से देखिए, सामने आप देख रहे हैं यह है ओमान का सबसे पुराना गांव। देखिए कितना प्यारा सीन है, कितना प्यारा नज़ारा है, सामने देख सकते हैं मेरे हाथों के इशारे से। अलखोद विलेज, यहाँ पर एक मकान बन रहा है, देखिए ये इस प्रकार से। यहाँ ईंटों का मकान नहीं बनता, यहाँ ताबूत का, बड़े बड़े ताबूत का मकान बनता है। ये देखिए यहाँ पर मकान बन रहा है। गाइज देखिए सामने पहाड़ है, पत्थरों का, चट्टानों का पहाड़ है, उसके बीच में बसा हुआ ये देखिए ये ओमान का एक गांव जिसको बोलते हैं अलखोद विलेज। आपको मैं जूम करके इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर दो फोन के टावर भी लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए ये कितना प्यारा गांव है, ये है ओमान का सबसे पुराना गाँव। सामने पहाड़ी नज़र आ रही होगी, इसमें कोई हरी वाली कोई पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर नज़ारा है। यह है ओमान का गांव। पहले यहाँ पर कच्चे मकान हुआ करते थे, देखिए अब इतने बड़े बड़े मकान बन रहे हैं रोड के साइड में। ये पूरा एरिया आज से 30 से 35 साल पहले खाली हुआ करता था, अब यहाँ पर लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया मकान बना रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया है। पहले ये पूरा गाँव कच्चा था, कच्चे मकान थे। ये अलखोद विलेज ओमान का पुराना गाँव है। ऊपर देखेंगे तो पहाड़ है, पहाड़ के नीचे इस प्रकार से घर बने हुए हैं। सामने पहाड़ को काट के इस प्रकार से रोड बनाया गया है, बीचों बीच से रोड निकाला गया है, क्योंकि ये नज़ारा देखने को बहुत सुंदर लगता है, इसलिए यहाँ पर सभी लोग घूमने के लिए भी आते हैं। ऊपर पहाड़ है, ये कोई लैंडस्लाइड वाला पहाड़ नहीं है, ये पक्के चट्टानों का बना हुआ पहाड़ है, समझ लिए एक प्रकार से सीमेंटेड पहाड़ है, इतना मजबूत पहाड़ है, ये कभी गिरता नहीं है। उसी के नीचे इतने बढ़िया से मकान बन रहे हैं, इतने बढ़िया घर बन रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, साइड में खजूर के पेड़ हैं, पुरानी दीवार है, क्योंकि लोग यहाँ सभी लोग अपने घरों के बाहर खजूर लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ओमान का प्रमुख फल खजूर है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी भी होता है, तो सभी लोग अपने घर के बाहर खजूर लगाते हैं। सामने देखिए पहाड़ है, बस देखने वाली बात यह है यहाँ के पहाड़ों में कोई हरियाली नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, बस चट्टानों के बने हुए हैं। यहाँ पर बिजली पानी सभी चीज़ की सुविधा है। गाइज देखिए ऐसे घर बने हुए हैं ओमान के गाँव में।
ये देखिए सामने पहाड़ी है, इस प्रकार के घर बने हुए देखिए। सूर्यास्त होने के बाद शाम ढल चुका था और यहाँ पर देखिए आप खंभे की सारी लाइटें ऑन हो गई हैं। गांव होने के बावजूद बिजली पानी सड़क सभी चीज़ की सुविधा है यहाँ पर। अगर कहीं एकांत में अगर एक घर भी बना होगा तो वहाँ तक भी सरकार ने पक्की सड़क का निर्माण किया है। बहुत बढ़िया विकास हुआ है इस गाँव का। सारी चीज़ की सुविधाएँ आपको मिलेंगी इस गाँव के बीच में। दुकानें भी मिलेंगी, स्कूल भी मिलेगा, नमाज अदा करने के लिए यहाँ मस्जिद भी मिलेंगी, सब चीज़ इस गांव में मौजूद है। शाम के तकरीबन 6:30 बजे का समय है, रोड के लाइटें ऑन हो गई हैं और कॉलोनी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। सारी मकान जो यहाँ के घर हैं बादामी कलर में चमक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उस बटन को दबा के शर्मा मिक्स ब्लॉग आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और आप मुझे मैसेज करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।